कहते हैं अगर आप जीवन में कुछ नया कर गुजरना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र की नहीं बल्कि आपके हौसलों के मजबूत होने की जरूरत होती है। और ऐसा ही कुछ करने की ठानी पुणे के 70 साल के राघव अष्टेकर ने, जो LLB कर रहे हैं। राघव अष्टेकर का कहना है कि पहले वो एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थे। रिटायरमेंट की उम्र में उन्होंने अपने परिवार में कई लोगों को कानून की जानकारी की कमी की वजह से परेशानियों से जूझते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने खुद वकालत करने की ठान ली। राघव अष्टेकर के पास BPED, MPED, MPhil, PhD समेत कई डिग्रियां हैं। लेकिन राघव अष्टेकर ने जिंदगी में कुछ नया करने की ठानी। उनका कहना है कि शुरुआती दिनों में उन्हें थोड़ा सा अजीब जरूर लगा, लेकिन अब सब अच्छा लगता है, जैसे जिंदगी को दोबारा से जी रहे हों। कायदा प्रशिक्षण के लिए आयु का बंधन नहीं है, तो इस बहाने मुझे ये प्रवेश मिला। मेरा पूर्व जो कार्य था वो एक कॉलेज का मैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर था। मेरा एजुकेशन BCom, BEd, MEd, MPhil, पीजीग्रेशन में किया है और PhD मैंने पीजीग्रेशन में की है। अब ये लॉ का पढ़ना क्यों आवश्यक है, ऐसा मुझे भी क्वेश्चन पढ़ रहा था। कई लोग मुझे पूछते हैं, आज यार क्या अभी तो कॉलेज जा रहा है? तो ये सच है कि अपनी जिंदगी में रात को सोने से सुबह उठने तक और उठने से रात को सोए तक लॉ अपने साथ चलता है। जैसे कि रास्ते पर जाते समय हमें कुछ नियम फॉलो करना चाहिए, वैसे ही जिंदगी में अपने कुटुंब के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने वसुधैव कुटुंबक जो है उसके लिए भी बहुत कायदा कानून आते हैं। आवश्यकता यह है कि इसके बारे में हमें ज्ञान होना है। एक सच्चाई बात यह है कि कायदा मालूम नहीं है ऐसा बात करने की हमें परमिशन नहीं है। हर एक को कायदे का, लॉ का बेसिक नॉलेज होना ही है। इसी कारण मैंने सोचा कि ये अभी मेरा जो भी कुछ बचा हुआ जीवन है वो मेरे लिए, साथ में कुछ समाज के लिए भी मैं शेयर करूंगा। जैसे कि मेरी माँ, मेरी माँ की माँ, ये सब एक फैमिली में महिलाएं थे। उनको बहुत तकलीफ हुई उनकी जिंदगी में, उनकी जमीन थी, वो अकेले रहने के कारण उनका जो हेयर रहता है, माने उसका जो वारस रहता है, उसका भी तकलीफ हुआ था। इसी के कारण आजकल के जमाने में जिसको दत्तक विधान बोलते हैं, वैसा दत्तक विधान करके मेरे माँ की माँ ने एक पुत्र लिया था। तो बची हुई जो भी कुछ प्रॉपर्टी थी वो मेरी माँ को मिली, वो मेरी माँ से मुझे मिली। तो वो संभालने के लिए भी हमें मालूम चाहिए कि कैसा जिंदगी जीना पड़ता है, कैसा लॉ का काम उसमें होता है। महाविद्यालय की जीवनी में मैं अभी महसूस कर रहा हूँ एक स्टूडेंट करके, जैसे भी मेरे साथ लड़के बैठते हैं, लड़कियां बैठती हैं, तो मैं अभी ग्रेजुएशन होने के बाद ये 3 साल का जो अभ्यासक्रम कर रहा हो उसमें हर रोज पांच लेक्चर्स होते हैं, तो हर रोज 5 लेक्चर्स और 6 टर्म में ये पूरा अभ्यासक्रम होगा। वैसे ही जो लोग BA माने 12वीं के बाद में आते हैं उनके लिए भी ये अभ्यासक्रम है। उनको पहले 3 साल लॉ का स्टडी के पहले थोड़ा उनका आर्ट्स का स्टडी करना पड़ता है, उसके साथ में लास्ट 3 ईयर्स में उनको लॉ का एजुकेशन मिलता है। सो 12th स्टैंडर्ड से और ग्रेजुएट लेवल से हम शुरू कर सकते हैं लॉ का प्रशिक्षण। लॉ की कार्य में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा महत्व है। अपना जो संविधान है वो संविधान में जो लिखा है, अपना संविधान लिखा है विश्व में, अपना जो संविधान है सबसे बड़ा है, उसमें जो मूलभूत न्याय मिलता है उसके बारे में लिखा है और उस वो बेस पकड़ के सब संधि की 5 लॉज पर ये पढ़ना पड़ता है। तो 30 लॉज हम पूरे इसे पढ़ते हैं, उसके साथ में बहुत बहुत लॉज है
मैंने पूछा कि लॉस कितने हैं, तो कम से कम 5,000 के ज्यादा लॉ है। इसमें क्या क्या है, फैमिली का सोच है, इसमें जो छोटे छोटे झगड़े होते उसका सोच है, इसमें अपने सिविल के ये केसेस होती है, क्रिमिनल की होती है, और कोर्ट के बाहर भी अल्टरनेट प्रोविजन है, ऐसे विविधता है। इसी अभ्यास क्रम में हमें ड्राफ्टिंग कैसा करना है, क्लियरिंग कैसा करना है, कन्वेंस कैसा करना है, मतलब रजिस्ट्री कैसे करना है, इसी के बारे में अनुभव प्रशिक्षण मिलता है। ये अनुभव जो है इसका हर एक टर्म के लिए एक एक लेक्चर होता है, जिसमें एडीआर करके अभ्यास क्रम है, तो एडीआर में अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन है, अल्टरनेटिव उसमें सुविधा जो है वो हम कर सकते हैं, जिससे कोर्ट के बाहर भी हमें कोई केसेस लड़ सकते हैं, लवाद जैसे उसे बोलते हैं, या कोई लोक अदालत जैसी चीज है उसमें हम काम कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि एक सच्चा राष्ट्रभक्त लायर बनूं। लोकल 18 के लिए पुणे से प्राची केदारी की रिपोर्ट।